पगना गांव में खड़िया खनन को लेकर ग्रामीण व खान मालिक आमने सामने हो गए हैं। ग्रामीणों ने खान मालिक पर गांव में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि खान मालिक द्वारा नियमों के खिलाफ खनन किया जा रहा है। बिना एनओसी के ही खेतों में खड़िया खनन से घरों, रास्तों तथा पेयजल योजनाओं को भारी नुकसान पहुँच रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि गांव में खड़िया खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण परिवार सहित धरना प्रदर्शन करेंगे। इधर शिकायत के बाद जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने सख्त रुख अपना लिया है। डीएम ने मामले की जांच करने के आदेश एसडीएम को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच कराने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। पटाधारक सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है आपकी बात सुन ली, क्लियर कट दो लाइन में मैंने बोल दिया, माइंड बंद करो। बहुत सारे प्रकरण आ गया है, इनका पट्टा कैंसिल कराओ। लिखे में जो जितने भी लाइबिलिटी है वो पट्टाधारक की जिम्मेदारी है, उसको पे करेगा। रिपोर्ट बना के भेजो सर। अभी तक जो पार्टनर और उसमें काम करने वाले वर्तमान में राजन सिंह डफौटी और बालन सिंह रौतेला का द्वारा जो गलत ढंग से कार्य किया जा रहा है, हमारे द्वारा किसी खेत वाले को कोई बॉन्ड में साइन नहीं किए गए, इनकी मनमर्जी से यह कार्य किया जा रहा है, इसकी संपूर्ण जवाबदेही इन लोगों की रहेगी, शासन प्रशासन की रहेगी। मैंने पूर्व में भी सारी रिपोर्टें मैं जिला कार्यालय में दर्ज करा दी, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और मैंने क्लोजिंग भी फॉर्म भर के जमा कर दिया गया है और उसको फिर भी अभी माइन को बंद नहीं किया जा रहा है। माइन मैनेजर को टर्मिनेट कर दिया है और फिर भी जोर जबरदस्ती से कार्य चलाया जा रहा है, इसकी संपूर्ण जवाबदेही इन लोगों की बालम सिंह रौतेला और ये राजन सिंह डफौटी और शासन प्रशासन की रहेगी। और इसमें पटाधारक की तो कब से कह रहा कि पटा ऐसा मत करो, उसमें मकान चले गया और पटाधारक का अपना टैंक चले गया और पीने का पानी खसक रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गलत ढंग से ऐसा काम को मत करो, ये लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, अनलीगल तरीके से सारा काम कर रहे हैं और इसमें पटाधारक की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी और R&D फार्म को खारिज किया जाए। पकना माइंस में जो खड़िया अवैध तरीके से खोदी जा रही है, बार बार हमारे मना करने के बावजूद, जो माइन होल्डर है उनके मना करने के बावजूद भी ये जबरदस्ती तरीके से रात दिन अपने डोजरों को 5-6 डोजर रात दिन लगा रखे हैं इन्होंने। खेत मालिक ने अपने खेत नहीं दिए हैं, उसके बावजूद भी ये रात के समय अपने मशीनों को अगर वहाँ लगा के अवैध तरीके से खड़िया खोद रहे हैं। प्रशासन को बार बार हमारे बोलने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बार बार हमारे ये बुजुर्ग पिताजी है यहाँ, ये प्रशासन को आते आते इनके पैर थक गए हैं और प्रशासन अभी तक कोई न्याय की उम्मीद हमें नहीं मिल रही है। और आगे अगर भविष्य में हमारी बातों में अमल नहीं किया होता है तो हम अपने बच्चों समेत आमरण अनशन के लिए तैयार होंगे और जिसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन के ऊपर रहेगी, जो कि राजेंद्र सिंह डफौटी द्वारा पकना में और बालन सिंह रौतेला जो माइन होल्डर है उनके मना करने के बावजूद ये जोर जबरदस्ती से अगर वहाँ किसी के घर लुढ़का दिए हमारे, और जिसने खेत नहीं दिए हैं वो खेत भी नीचे आ गए, उनके पास कोई बॉन्ड नहीं है और इन्होंने गलत तरीके से बॉन्ड बनाए और हम लोगों को गुमराह किया। पगना गांव की समस्या खनन से संबंधित अभी जो आए हैं उसको एक बार जांच करा के देख लिया जाएगा कि उसमें वस्तु स्थिति क्या है, दोनों तरफ के लोगों को सुना जाएगा, उसके हिसाब से जो भी जांच में आएगी उस पर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। माइन चलेगी या बंद करने का? ये फिलहाल इसकी जांच करा के जो भी है मैंने बताया है, इसकी जांच करा लेते हैं। अगर जो लोगों को बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ है, लोगों को मकान टूट रहे हैं, भूवैज्ञानिक तरीके से उसकी जाँच करा के अगर वो सेफ नहीं है तो इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया जाएगा। और अगर उसमें समस्या नहीं है और फर्जीवाड़ा फर्जी लोग शिकायत कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि फर्जी शिकायत करना भी हमारा टाइम का सिस्टम का टाइम वेस्ट करना है और हम किसी को कार्य करने देने से रोकना है। तो दोनों तरफ से इसको आज ही हमारे SDM जाके उसमें जांच कर लेंगे और जैसे भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार निर्णय लेकर इसको हम आगे टेकअप करेंगे। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।